नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। समन, नोटिस और वारंट क्या है और इसमें क्या अंतर है, आइए इसके बारे में जानते हैं। समन सिविल मामले एवं क्रिमिनल मामले दोनों में समन भेजे जाते हैं। सिविल मामलों में समन तब भेजा जाता है जब कोई वाद दाखिल होता है और प्रतिवादी को समन के माध्यम से जानकारी दी जाती है कि वह आकर के मुकदमे में अपना जवाब दाखिल करे और उसके लिए एक निर्धारित तिथि होती है। उस तिथि पर उपस्थित होकर के अपने जवाब के संबंध में अपना जो भी कुछ हो उसको दाखिल करे, इसके लिए समन भेजा जाता है। अगर वह नियत तिथि पर नहीं आता, अपना जवाब नहीं देता, तो उसके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई की जा सकती है, इसके संबंध में उसको समन भेजा जाता है। अगर वह क्रिमिनल मैटर है तो विपक्षी को समन भेजा जाता है कि वह आकर के, अगर जमानत संबंधी विवाद है तो वह आकर के अपना जमानत करा ले, इसके संबंध में समन भेजा जाता है। यदि समन भेजने के बावजूद भी सिविल मैटर में अगर साक्ष्य की कार्रवाई में समन भेजा जाता है, साक्ष्य देने के लिए समन भेजा जाता है, तो साक्ष्य देने के लिए व्यक्ति समन लेने के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होता तो उसके खिलाफ वारंट भी जारी हो सकता है साक्ष्य देने के लिए। सिविल मामलों में दो जगह समन भेजने की व्यवस्था है। पहला, जवाब देने के संबंध में समन भेजा जाता है प्रतिवादी को, और दूसरा, गवाही देने के संबंध में गवाहों को समन भेजा जाता है। सिविल मामलों में दो स्थानों पर समन की व्यवस्था की गई है। जवाबदेही में अगर वह जवाब देना चाहे, नियत तिथि निर्धारित की गई है, अपना जवाब दे सकता है, उसी तिथि पर नहीं आएगा तो उसके खिलाफ पक्षी कार्रवाई की जाएगी। अगर वह साक्ष्य के लिए भेजा गया समन गवाहों को, तो वह नीति तिथि पर आता नहीं है, समन लेने के बावजूद भी, बार बार समन भेजने के बावजूद भी नहीं आता, तो उसके खिलाफ वारंट भेजा जा सकता है। अब आइए जानते हैं नोटिस क्या है। जब सिविल मामलों में वाद के अलावा अन्य एप्लीकेशन दिए गए होते हैं, जैसे स्टे का प्रार्थना पत्र, न्यायालय में स्टे का प्रार्थना पत्र दाखिल होता है कि मुकदमे में तुरंत स्टे की आवश्यकता है, टेम्प्रोरी स्टे की आवश्यकता है, मुकदमे में स्टे चाहिए, इसके लिए एप्लीकेशन वादी न्यायालय में दाखिल करता है, तो प्रतिवादी को इसके संबंध में नोटिस भेजा जाता है कि आपके खिलाफ स्टे का एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, यदि आप चाहें तो उसका जवाब दे सकते हैं, इसके संबंध में नोटिस भेजा जाता है। नोटिस सामान्यतः सिविल मामलों में ही भेजा जाता है। यदि यह क्रिमिनल मैटर होता है उसमें समन भेजा जाता है तो नहीं व्यक्ति उपस्थित होता तो उसके खिलाफ वारंट भी भेजा जाता है। वारंट उसको गिरफ्तार करके पुलिस लाता है। वारंट तभी भेजा जाता है जब समन के माध्यम से व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं होता, समन की जानकारी होने के बावजूद भी क्रिमिनल मामलों में उपस्थित नहीं होता तो उसके खिलाफ वारंट भी जारी होता है। वारंट गिरफ्तारी का वारंट भी होता है, उसको गिरफ्तार करके न्यायालय में लाया जा सकता है। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।